समझे? ये तुम्हारे विजय साहब गाते बहुत अच्छा है, लेकिन बीच बीच में कहीं बेसुरे हो जाते हैं। हो सकता है इलेक्शन हारने के दर्द से दिल भर आया हो मामा जी। अच्छा। विजय जी, आपने बचपन में संगीत मास्टर से ट्रेनिंग ली थी क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो मामा जी। क्यों? जिसको बचपन में माँ का प्यार न मिला हो, बाप की शक्ल न देखी हो, दो वक्त की रोटी के लिए तरसता रहा हो, वो भला। समझ गया भांजे, मैं समझ गया कि क्या है कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में गाते गाते भीख मांगते होंगे, तभी रियाज काफी अच्छा है। गाते गाते गला सूख तो नहीं गया? क्या पियेंगे, विस्की, शैंपेन, ठर्रा? नहीं, ठर्रा नहीं, मैं शराब नहीं पीता। पियेंगे भी कैसे, अपनी हार का कड़वा घूंट चुप पी चुके हैं। चलिए कुछ खा ही लीजिए, बचपन में तो झूठी हड्डियां ही चाटने को मिली होगी। अरे मामा जी, हमने तो बाहर बोर्ड भी नहीं लगाया। क्या? के भिखारियों और कुत्तों को अंदर आना मना है। अरे खैर, अब आई गए हैं तो शर्माना कैसा। वेलकम वेलकम। कंस मामा। हाँ, तुमने कहावत तो सुनी होगी। क्या? के कुत्ते भौंकते रहते हैं और मस्त हाथी चलता रहता है। माने मैं कुत्ता हूं? तुम कुत्ते से भी बदतर हो, वरना अपनी बहन के दरवाजे पर बैठकर उसके घर का जूठन नहीं खाते। भांजे ये सुनो। क्या हुआ मामा? और तुम सुनो मामा के भांजे, ये जो भिखारियों की तरह हाथ में कटोरा लेके खड़े हो, इसमें पड़ा हुआ खाना मेरे पैसों का है। ये जश्न जरूर तुम्हारे घर में मनाया जा रहा है, लेकिन इसका खर्च मैंने दिया है। मैनेजर साहब। ये देखो और खुद फैसला करो कि झूठी हड्डियां कौन चाट रहा था। ये विजय को चला गया। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर, नो फोटोग्राफ्स प्लीज। क्या आप बता सकते हैं ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट बताकर थोड़ा ही होता है। सुना है ये एक्सीडेंट आप ही ने करवाया है, ताकि मजदूरों पर पैसा पानी की तरह बहाकर आप उनकी वाहवाही जीत सके और फिर ऑल इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन का इलेक्शन जीत सके। मैं अपने मजदूर साथियों को हारकर कुछ भी नहीं जीतना चाहता। तो कौन हो सकता है वो आदमी? मेरा लेटर कहाँ है यार? इसी लाइटर की तलाश थी ना? जिसकी मुझे तलाश थी वो तो खुद मेरे पास आ गया। अब तू बचकर नहीं जाएगा। कसम अंगूर की बेटी की, आज मैं तुझे पी पी कर मारूंगा। शराब पीने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। Thank you.
चलो। एक मां मिली जिसने अपने आंचल में सारी दुनिया की नजरों से मुझे छुपा लिया। तुम्हारे भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया। कोई नहीं बचा जिससे मैं प्यार कर सकूं या कोई मुझसे प्यार कर सके। क्यों मधु जी आपसे प्यार नहीं करती? उसका नाम मेरे नाम के साथ मत जोड़िए वरना जज साहब के काले कोट पर सफेद धब्बा लग जाएगा। लोग समझेंगे कि एक हरामी के साथ रिश्ता जोड़कर जज साहब को कोड हो गया। जिस तरह हम भूल गए आप भी भूल जाइए कि इस दुनिया में हमारा कोई है। तो फिर तोड़ दो इन चूड़ियों को अपने हाथों से जिन्हें प्यार की कसमों के साथ तुमने मुझे पहनाई थी। मेरे गले में तो तुम मंगलसूत्र नहीं डाल सके। फांसी का फंदा तो डाल दो ताकि किसी और की बाहों में जाने से पहले मैं अपने आप को खत्म तो कर दूं। पीछे मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। कोई किसी के लिए नहीं मरता मेम साहब, सभी जी लेते हैं। मेरी माँ भी मेरे बगैर कहीं जी रही है ना। एक औरत की गलती की सजा तुम दुनिया की तमाम औरतों को देना चाहते हो? मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं तुम्हारे गम मांगने आई हूं। मुझे वापस मत भेजना। मैं वो घर छोड़ के आई हूं जिस घर ने तुम्हें वो गम दिए हैं। पीछे मैं जीऊंगी भी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तो तुम्हारे साथ। हाँ विजय, तुम अपने आप चलकर मेरे पास आती हो या मैं इस हरामी की लाश पर चलकर तुम्हारे पास आऊं? इस हरामी की लाश पर चलकर तुम्हारे पास आऊं? क्या हुआ राजा बाबू को? यह होश में आए तो इसे कह देना कि मैंने इसकी जिंदगी को मौत का लिबास इसलिए नहीं पहनाया क्योंकि इस घर में रहने वाले के बहुत से एहसान है मुझ पर। दोबारा अगर इसने मेरे बीते हुए कल में झांकने की कोशिश की तो इसे आने वाला कल देखना नसीब नहीं होगा। अगर मुझे इस दुनिया में लाना ही था तो मां की कोख के साथ साथ माँ का प्यार भी देता। मेरे माथे पे मेरे बाप का नाम तो लिखा होता। मेरे नाम क्या? Thank you.
ओ माय गॉड। विजय क्या हुआ? विजय बेटा, विजय, विजय क्या हुआ? उठो उठो विजय। हेलो भाभी जी, डॉक्टर शर्मा बोल रहा हूँ, भाभा हॉस्पिटल से। हाँ बोलिए। यह ओबराय को क्या हो गया है? क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? क्या हुआ उन्हें? एक गैर की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा, दो बोतल खून दे चुका है और कहता है कि विजय कुमार की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। विजय कुमार की जान? डॉक्टर डॉक्टर क्या बात है? विजय कुमार की नब्ज डूब रही है। बहना प्यारी, बहना प्यारी, अभी तो तुम्हारा सर सिर्फ शर्म से झुक रहा, शर्म से झुक रहा, लेकिन जिस दिन यह हकीकत तुम्हारे पति देव और तुम्हारे बेटे को पता चल गई ना, को पता चल, उस दिन ये जमीन फट जाएगी, जमीन फट जाएगी, और तुम्हें जमीन की कोख में अपने आप को छुपाना पड़े, आपको छुपाना पड़े। जेंटलमैन, पवई कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे कम कोटेशन देने वाली कंपनी का नाम है ओबराय इंटरप्राइजेस, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ओबराय इंटरप्राइजेस को दिया जाता है। बांजे, तूने तो दुश्मन के मुंह से निवाला ही छीन लिया। अभी तो सिर्फ निवाला छीना है मामा जी, अगर वो मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं उनके सामने की थाली भी छीन लूंगा। पहली जीत मुबारक हो मिस्टर राजा, साथ ही एक नसीहत भी सुन लीजिए, जीत की खुशी जाहिर करना अच्छी बात है लेकिन मगरूर होना मुनासिब नहीं। गिर गया सर। क्या बैग? मैं समझा आप। अरे ऐसे क्या देख रही हो, भारत सरकार के असली नोट है ये। रुपए क्या विजय बाबू ने दिए हैं? अरे छोड़ो विजय बाबू को, वो कितने रुपए देंगे, ये तो राजा बाबू है जिन्होंने कांच के ढेर में से मुझ जैसे हीरे को पहचान लिया और मेरी कीमत लगा दी। कीमत नहीं लगाई उन्होंने, बल्कि कुत्ते के सामने रोटी फेंकी है। लक्ष्मी चीखो मत, ये पकड़ो, इधर आओ, ये देखो। ये सब किसने दिया? विजय बाबू ने। विजय बाबू ने? हाँ, और कहा है कि सीमा की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? खुद गर्जी में अंधे होकर तुमने सिर्फ अपना ईमान ही नहीं बेचा बल्कि विजय बाबू जैसे देवता के साथ विश्वासघात भी किया है। नहीं। तुम मकार हो, पापी हो, तुम पापी हो, तुम मकार हो। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे छोड़ दीजिए विजय बाबू, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं मैनेजर साहब, नहीं। मैं मैनेजर नहीं, वाले मैं आपका गुनहगार हूं, मैंने आपको बहुत धोखा दिया है,
मुझे मर जाने दीजिए मालिक, मुझे मर जाने दीजिए। प्रायश्चित इंसान के पापों को मिटा देता है, वो बुजदिल होते हैं जो अपने पापों को मिटाने के बजाय खुद को मिटा देते हैं। आपने अपनी गलती कबूल कर ली, हमने आपको माफ कर दिया। क्या आपने मुझे माफ कर दिया मन? हाँ, और साथ ही आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ा दी। आज से टेंडर पर साइन भी आप ही करेंगे। आप धन्य है मन, मेरी उम्र भी आप ही को लगी है मन, मेरी उम्र भी आप ही।